कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक ही मांग एक ही नारा, भाग में हो मिले हमारा। हिमाचल किसान सभा खंड इकाई निर्मंड जिला परिषद कैंडर के कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करती है। किसान सभा निर्मंड ब्लॉक के अध्यक्ष देवकी नंदन सह सचिव कश्मीरी लाल ने कहा कि यह कर्मचारी 30 सितंबर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसमें पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक व जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी पिछले काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, परंतु इनकी मांगों को ना तो पिछली सरकार ने समाधान किया और न ही वर्तमान सरकार इनकी मांगों के समाधान के प्रति गंभीर है। रामपुर बुसार से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मैं देवकी नंदन, अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा खंड इकाई निर्मल। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 30 सितंबर से जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जिला परिषद कैडर का जो कर्मचारी है, जिसमें पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और जो जेईस लोग हैं, वो जो है हड़ताल पर बैठे हैं और जो प्रदेश की सरकार वो जो पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है, वो जो है इनकी जो मांगे उन मांगों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते आज पंचायत के अंदर जो विकास के जो कार्य हमें वो जो पूरी तरह बंद पड़े हैं और आम जनता जिसको पंचायत से परिवार नकल लेनी है, आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और इसके साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो जो है आज लोगों को नहीं मिल रहे हैं, जिससे कि जो है आम जनता आज दुखी है और प्रदेश की सरकार ये जो इनकी जो मांग है उस मांगों के उसके समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है और इनकी जो बड़ी कोई जो मांग है वो कोई बड़ी मांग नहीं है, वो प्रदेश की सरकार इस जो इनकी जो मांग है उनको समाधान के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन ये जो सरकार है ये जो पूरी तरह से जो अड़ियल रवैया अपना रही है और आए दिन अलग है जो कर्मचारियों को जो है उनको जो है नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको जो है टर्मिनेट किया जा रहा है, जिसका कि जो हमारा जो संगठन जो किसान सभा है वो इसका विरोध करती है और हम इस हड़ताल में इनके साथ खड़े हैं। इसीलिए हमारी प्रदेश की सरकार से मांग है कि ये जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम से जो सत्ता में आई है, ये जो है कर्मचारियों के साथ जो है इस तरह का जो व्यवहार करी है ये गलत है, इसीलिए इन कर्मचारियों के साथ जो है बातचीत की जाए और इनकी जो मांग है वो बिल्कुल उचित है और इसमें सरकार को ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, वो कोई क्या परेशानी आ रही कि ये जो पंचायती राज विभाग के अंदर जो इनको मर्ज करना है, मुझे लग रहा है कि ये जो है कोई बड़ी मांग नहीं है, लेकिन ये जो सरकार की जो इच्छा है वो इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए सरकार को समय रहते हुए इन कर्मचारियों के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो पंचायत के अंदर जो विकास के कार्य जो बंद पड़े हुए उनको जो है दोबारा से गति मिल सके।